दोस्तों आज हम आ चुके हैं इस साउथ इंडियन स्टॉल पर और यहाँ खाएंगे हम साउथ इंडियन खाना। आप देख सकते हैं अंकल और आंटी बड़ा ही लजीज साउथ इंडियन खाना खिलाते हैं। चलिए फिर चलिए आगे और देखते हैं भाई क्या क्या वैरायटीज इनके पास मिलते हैं। हम लोग 1500 लोग हैं। हम लोग यहाँ पर डोसा, वड़ा, इडली और उत्पम, पनीर उत्पम और पनीर डोसा, रवा पनीर और मैसूर मसाला सब बनाते हैं। 4:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमें उत्पम खिला दीजिए। हाँ जी, और इडली सांभर खिला दीजिए। ठीक है जी। गाइस ये हमारी बहुत ही फ्लफी सी इडली आ गई है और उसमें गर्मा गर्म सांभर में डिप होकर ऊपर से डाली चटनी, तो भाई पूरा पैसा वसूल है, पेट भर जाएगा आपका सिंगल इडली में। उसकी हम लेते हैं एक बाइट। सर्दियों में इडली सांभर या साउथ इंडियन फूड खाने का मज़ा ही कुछ और है। जब गर्मा गर्म सांभर सर्व किया जाता है ना, उसका मज़ा सर्दियों में डबल हो जाता है। चीयर्स फॉर इडली। उमदा इडली है। अब हम ट्राई करने वाले हैं अपना उत्पम। जी ये आ गया हमारा गर्मा गर्म उत्पम गर्मा गर्म सांभर के साथ। ये भी बहुत फ्लफी सा है और गर्म है। गाइस ये हमारा यहाँ पर तैयार हो रहा है मसाला पनीर डोसा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम स्टॉल पर आए और अपना मसाला पनीर डोसा जो कि यहाँ का सबसे फेमस है वो ट्राई ना करें। हमारा पेट तो भर गया है लेकिन हमने बोला है कि हमारा ये डोसा आप पैक कर दीजिए। चलिए देखते हैं उसकी मेकिंग एक किस तरह से बनता है। ये सारा उसी का मसाला तैयार किया जा रहा है। और भाई ये आ गया ढेर सारा पनीर। आप देख सकते हैं इतना सारा पनीर डाल दिया है अंकल ने। अब इसको मिक्स कर रहे हैं। और ये आ गया भाई और ढेर सारा पनीर। पनीर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा यहाँ पर, बहुत ही फ्रेश पनीर है। फाइनली हमारे ये पनीर मसाला डोसा तैयार हो चुका है। अब इसको हम घर पर टेस्ट करेंगे। ये पैक करा कर हम ले जाएंगे इसको। तो आप भी अगर इस यहाँ पर इस साउथ इंडियन खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आ जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस डाल दिया है। और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।